22 वर्षों से इस चीज को झेल रहे हैं। 22 वर्षों में हमने ये लगातार देखा है। आपको मैं कुछ तथ्य से वाकिफ कराना चाहता हूं। जिस व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया गया इसमें और जिस व्यक्ति के आरोप को आधार बना करके बात आगे बढ़ाई गई, वो खुद स्वीकार करते हैं हाईकोर्ट में कि उनको फैक्स पटना से आया था। पटना से फैक्स वित्त आयोग ने भेजा अलर्ट करते हुए। किसने भिजवाया वो फैक्स? लालू यादव जी ने। बसाक साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे और विजय शंकर दुबे जी का अगर आप पत्र व्यवहार देखें, उसमें तमाम जिलों को अलर्ट किया गया कि एक्सेसिव अनऑथराइज विड्रॉल हो रहा है। किसने ये अलर्ट किया? लालू यादव जी ने। पहला अपने आप में इस मुल्क में किसी भी घोटाले में ये पहली बार आप देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने, और उतनी ही नहीं, रिपीटेड रिमाइंडर के बाद FIR इसमें हुए 96 में, किसने करवाया FIR? लालू यादव ने। लेकिन कमाल की बात है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, आपने उसी व्यक्ति को घेर कर रख दिया क्योंकि आप उससे पॉलिटिकली नहीं लड़ पा रहे हैं, आप उसको पॉलिटिकली फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। आज ही एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार ने एक बात कही, क्या वजह है कि सबाल्टर्न लीडर्स, बैकवर्ड कास्ट लीडर्स, दलित लीडर्स को इन सारे मसलों में डेलिबरेटली फंसाया जाता है? कुछ तो वजह रही होगी। पूरा मामला जब हम पढ़ते हैं तो ये ट्रेजेडी ऑफ एरर्स है। अगर आप एग्जामिन करिए, मैं तमाम दोस्तों से आग्रह करूंगा, मीडिया के साथियों से, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था पर, जैसा हमारे साथी ने कहा, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन ये कल का जो आजाद पिंजरबद्ध तोता था, आज ये चिप पे काम कर रहा है और इस चिप को निर्धारित किया जा रहा है 1100 करोड़ से। जो इनके पास जाके नतमस्तक हो जाए वो धुल जाता है, वॉशिंग मशीन है 1100 करोड़ पे, और जो इनके पास ना जाए उसको आप प्रताड़ित करते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं, जिस 84 लाख रुपए का जिक्र हो रहा है, CBI ने एक DSP की कहानी पर DA केस किया। DA केस में बेदाग निकल करके आए, सुप्रीम कोर्ट तक से जीत कर गया है, और एक जज साहब ने जो टिप्पणी की, मैं उसको आपके सामने अक्षरशः पढ़ना चाहता हूं। द जज सेड द CBI वॉज एविडेंटली बायस्ड अगेंस्ट लालू यादव। CBI को एक बहुत ही मौलिक रूप से घृणा और वैमनस्य का रिश्ता था लालू यादव जी से। हम बार बार इस बात को दोहराते रहे, जुडिशियल आर्किटेक्चर इस मुल्क में है, इस मुल्क की न्यायिक व्यवस्था, यहाँ की रवायतों में हमारा भरोसा है। लेकिन हम ये जान रहे हैं कि कौन तरह की शक्तियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि लालू यादव, सामाजिक न्याय की विचारधारा, वो वैसी शक्ति जो आपको आपके सामने घुटने टेकने से इनकार करती है, आप उसको परेशान करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस तोते की कितनी उम्र है, कितनी ताकत है, इसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशियल आर्किटेक्चर में सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। अवैध निकासी पर जिस आदमी ने FIR करवाया, आप उसको घेर रहे हो। सृजन घोटाला क्या है साहब? 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, अवैध निकासी का मामला है। लेकिन हमारे जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले हैं, कुछ को खाने दूंगा, कुछ को खाने वाला बना दूंगा, और उन्होंने वही किया। अगर अवैध निकासी कोई मसला है, लालू जी ने तो FIR करवाई थी। सृजन घोटाले में एक व्यक्ति, जब से ये शुरू हुआ है, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ और वही व्यक्ति वित्त मंत्री बना हुआ है। लेकिन साहब की नजर वहां नहीं जाएगी, साहब की नजर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि जो मुख्यमंत्री है नतमस्तक है, वो धुल गए। 1100 करोड़ की जो वॉशिंग मशीन है उसमें वो धुल गए। हम आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया इस मुल्क की किसी के आगे झुकेगी नहीं। ये एक लोअर कोर्ट का मामला है, CBI कोर्ट का, ये तो हो सकता है दो पेशी में निरस्त हो जाए, हमने ऐसे कई मामले देखे हैं। लेकिन इस सियासत का हम क्या करें, जो सियासत ये कोशिश करती है कि अगर आपसे पॉलिटिकली नहीं लड़ पाएगी तो आपको इस तरह से मजबूर करे, उस सियासत का क्या करें जिस तोते को 16,000 गुना की वृद्धि एक व्यक्ति की आमदनी में नहीं दिखती है, क्योंकि वो व्यक्ति रसूखदार है। वो दो व्यक्ति आज मुल्क को चला रहे हैं, तमाम रवायतों को छत विच्छत कर रहे हैं, संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं अपने पार्टी की तरफ से, हमारे लोग बेहद संजीदगी से इस निर्णय को ले रहे हैं, और इस निर्णय से हमारा रिजॉल्व और पक्का हुआ है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि न्यायिक प्रक्रिया में जाए और दूसरा राजनीतिक लड़ाई लड़े, ना राजनीतिक जमीन हमारी खत्म होगी, ना न्यायिक व्यवस्था के अंदर हमें आप खत्म कर पाओगे। जीत हमारी ही होगी, सत्यमेव जयते।
और ये सत्यमेव जयते हमारे प्रधानमंत्री जी के तरह का सत्यमेव जयते नहीं है, ये सत्यमेव जयते एक जमीन से जुड़े नेता का है जिसको आपने फंसाने के लिए बावजूद इसके कुछ ने FIR किया। मैंने तो विश्व इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं देखा है। दोराई साहब तक को कहना पड़ा जो IPS थे, उन्होंने कहा कि किसी न किसी साजिश की तरह तहत लालू यादव को फंसाया जा रहा, कोशिश कर लीजिए। जैसा खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बच्चा बच्चा लालू है। अब आप देखिए राजनीति नई करवट ले रही है। हम 16,000 गुना वाले को भी पलट के रख देंगे और हम सृजन वालों का भी, ये जो सृजनकर्ता लोग हैं इनके सृजन का खात्मा कर देंगे। टू टेल यू इन नटशेल, वील फाइट पॉलिटिकली, वील हैव लीगल रिड्रेसल बिकॉज वी बिलीव इन द जुडिशियल आर्किटेक्चर, बट एट द सेम टाइम वी बिलीव वेरी स्ट्रॉन्गली दैट द केस पैरट ऑफ यस्टरडेज इज अ चिप बेस्ड पैरट बीइंग कंट्रोल्ड बाय टू मोस्ट पावरफुल पर्सन, बिकॉज द सेम प्रोसेस ऑन सृजन दे विश टू लुक द अदर वे, इट कांट गो। रूल ऑफ लॉ इज रूल ऑफ लॉ, इफ इट मीन्स फॉर ए इट हैज टू मीन फॉर जेड, इफ इट डजंट दैट मीन्स वी आर डूइंग अवे विद एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स, दैट्स ऑल। दिस इज वॉट वी विश टू कन्वे। और हम आप सबका, आपको कई बार आज आना पड़ा, हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे संदेश को, हमारे संवाद को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चले कि इस मुल्क में कानून के निजाम में एक कानून है रसूखदार 11 अशोक रोड से जुड़े हुए लोगों का, और दूसरा कानून I'll get back to you, और दूसरा कानून है एक ऐसा इंसान जो आपके सामने झुकने से इनकार कर दे।